ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का हुआ ऐलान। भारतीय कोच गौतम गंभीर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घोषित किया सबसे खतरनाक भारतीय स्क्वाड। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जल्दी ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जानी है, जिसके लिए भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर ने भारतीय टीम की खतरनाक स्क्वाड का घोषणा कर दिया है। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए गौतम गंभीर ने भारतीय टीम में किसको किसको मौका दिया है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह T20 सीरीज जीते, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा में से बेहतर कप्तान कौन है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय टीम श्रीलंका दौरे पर गई थी, जहां उसने श्रीलंका से 3 वनडे और 3 T20 की 2 सीरीज खेली। आपको बता दें, T20 सीरीज भारतीय टीम ने जीता तो वही वनडे सीरीज श्रीलंका ने जीता। और अब भारतीय टीम को 1.5 महीनों तक कोई सीरीज या किसी देश से कोई मैच नहीं खेलना है। लेकिन आपको बताते, जल्द ही भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से 3 मैचों की T20 सीरीज खेलती हुई नजर आएगी, जिसके लिए भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर ने भारतीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। इस स्क्वाड में 30 से लेकर 37 वर्ष तक के किसी भी खिलाड़ी को शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में टीम इंडिया में युवा खिलाड़ियों की भरमार होगी और उनके पास अच्छा प्रदर्शन करने का बेहतरीन मौका होगा। यही नहीं, इस सीरीज में 5 खिलाड़ियों का डेब्यू हो सकता है और उन्हें पहली बार नीली जर्सी पहनने का मौका मिल सकता है। इसमें IPL में कोलकाता के लिए खेलने वाले रमनदीप सिंह को मौका दिया जा सकता है, क्योंकि वे आक्रामक बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी भी करते हैं। मुंबई के ही नेहाल वढ़ेरा को भी मौका दिया जा सकता है और वे अपना पदार्पण कर सकते हैं। तो वहीं IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलने वाले रजत पाटीदार को पहली बार T20 क्रिकेट में खेलने का मौका मिल सकता है। उन्होंने भारत के लिए वनडे और टेस्ट में तो खेल लिया है, लेकिन अब T20 फॉर्मेट में भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं कोलकाता के लिए खेलने वाले युवा पेसर हर्षित राणा को भी इस सीरीज में डेब्यू करने का मौका दिया जा सकता है और वे भी टीम इंडिया की तरफ से खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। उनके अलावा हरफन मौला खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी को भी इस दौरे पर डेब्यू का मौका दिया जा सकता है। वही बात करें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस T20 सीरीज के लिए खतरनाक भारतीय स्क्वाड की, तो इसमें पहले ओपनर के तौर पर शुभमन गिल को शामिल किया गया है, जो भारतीय टीम के उपकप्तान भी है। वही दूसरे ओपनर के रूप में खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया। आपको मालूम ही होगा कि यशस्वी जायसवाल पावर प्ले में बहुत ही ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं, इसलिए इनको स्क्वाड में शामिल किया गया है। वही T20 सीरीज के लिए 4 मिडल ऑर्डर बल्लेबाजों स्क्वाड में शामिल किया गया है, जिसमें पहला नाम रजत पाटीदार का है। रजत पाटीदार ने IPL 2024 में RCB की तरफ से खेलते हुए काफी शानदार प्रदर्शन किया था, इसीलिए ये इनको स्क्वाड में मौका दिया गया है। उम्मीद है कि इस सीरीज में रजत पाटीदार का T20 डेब्यू भी हो सकता। वही दूसरे मिडल ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में तिलक वर्मा को शामिल किया गया है। आपको बता दे, तिलक वर्मा की काफी समय बाद वापसी हो रही है। वही दोस्तों, तीसरे मिडल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर युवा और नए बल्लेबाज नेहाल वढ़ेरा को टीम में मौका दिया गया है। आपको बता दे, नेहाल वढ़ेरा IPL में मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से खेलते हैं। नेहाल वढ़ेरा का ये पहला दौरा होगा, इसलिए उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनका डेब्यू हो सकता है और ये नीली जर्सी में दिख सकते हैं। वही चौथे मिडल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम युवा सबसे खतरनाक बल्लेबाज रिंकू सिंह को स्क्वाड में शामिल किया गया है। रिंकू सिंह को ज्यादा मौका मिलता नहीं है, लेकिन जब भी उनको भारतीय टीम में मौका मिलता है, तब वो अच्छा और प्रभावकारी प्रदर्शन करते हैं। रिंकू सिंह जब एक बार मैदान पर टिक जाते हैं, तो मैचों को फिनिश करके ही वापस लौटते हैं। वही दोस्तों, इस सीरीज के लिए भारतीय टीम में 2 विकेटकीपर को शामिल किया गया है, जिसमें पहला नाम ऋषभ पंत का है, जो इस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस T20 सीरीज के लिए सूर्य कुमार यादव को आराम दिया गया है, जिसकी वजह से उनकी गैर मौजूदगी में ऋषभ पंत टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। वही दोस्तों, दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में एक बार फिर से संजू सैमसन को मौका दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, संजू सैमसन को भारतीय टीम में ज्यादा मौका मिलता नहीं है, और कभी मिलता भी है तो संजू फ्लॉप साबित हो जाते हैं, लेकिन संजू सैमसन एक बेहतरीन बल्लेबाज है, इसलिए गौतम गंभीर ने एक बार फिर से संजू सैमसन पर भरोसा जताया है और उनको टीम में शामिल किया है। वही दोस्तों, इस सीरीज के लिए भारतीय टीम में 3 ऑलराउंडर को शामिल किया गया है, जिसमें पहला नाम वॉशिंगटन सुंदर का है। दोस्तों, वॉशिंगटन सुंदर T20 वर्ल्ड के दौरान से ही फॉर्म में चल रहे हैं। वो हर मैच में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से सभी को प्रभावित कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें इस सीरीज के लिए भारतीय टीम में मुख्य ऑलराउंडर के तौर पर शामिल किया गया है। वही दूसरे ऑलराउंडर के रूप में IPL स्टार रमनदीप सिंह को स्क्वाड में शामिल किया गया है। रमनदीप इस सीरीज में भारत के लिए अपना डेब्यू कर सकते हैं, जो कि हर क्रिकेटर का सपना होता है। रमनदीप IPL में तो काफी शानदार प्रदर्शन करते हैं। अब देखना होगा कि अगर रमनदीप को डेब्यू करने का मौका मिलता है, तो वो भारत
के लिए कैसा प्रदर्शन करते हैं। वही दोस्तों, तीसरे ऑलराउंडर के तौर पर एक और आईपीएल स्टार नीतीश कुमार रेड्डी को मौका मिला है। जी हाँ दोस्तों, नीतीश कुमार रेड्डी ने आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए काफी लाजवाब प्रदर्शन किया है। अब देखना होगा अगर इनको इस सीरीज के दौरान डेब्यू करने का मौका मिलता है तो भारत के लिए कैसा प्रदर्शन करते हैं। वही दोस्तों, अगर गेंदबाजी की बात करें तो इस सीरीज के लिए चार गेंदबाजों को शामिल किया गया है, जिसमें पहला नाम स्पिनर गेंदबाज रवि बिश्नोई का है, जो कि काफी खतरनाक स्पिन गेंदबाजी करते हैं। वही तेज गेंदबाजी के लिए हर्षित राणा, आवेश खान और मोहम्मद सिराज को स्क्वाड में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, ये रहा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की सबसे खतरनाक स्क्वाड। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस सीरीज के लिए भारतीय टीम में और किसको मौका देना चाहिए था? अपना कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।